अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जुनैर। आज की स्टूडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है ट्रीटी ऑफ वर्सली। अब हम इंटरनेशनल रिलेशन में बंडल ऑफ ट्रीटीज को डिस्कस करते हैं। ट्रीटी कहते हैं मुआहदे को। अब ट्रीटी ऑफ वर्सली है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में। ये टॉपिक है, ये लिंक्ड है वर्ल्ड वार वन से और वर्ल्ड वार टू से। ये कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपके इस वीडियो में शेयर की गई है, वीडियो कम्प्लीट वॉच करें। विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। अब सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है वो देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज साइंड बाय जर्मनी एंड अलाइड नेशन ऑन जून 28, 1919, फॉर्मली एंडेड वर्ल्ड वॉर वन। द टर्म ऑफ द ट्रीटी रिक्वायर्ड दैट जर्मनी पे फाइनेंशियल रिपरेशन, डिसआर्म लॉस टेरिटरी एंड गिव अप ऑल ऑफ इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है, जो ये मुआहदा है, ये 28 जून 1919 को जर्मनी और इत्तेहाद कौम के दरमियान दस्तखत हुआ और ये जंग अजीम अव्वल का ऑफिशियल एंड था। इसके मुताबिक जो जर्मनी था वो माली जुर्माना अपनी हदूद और अपनी जो ओवरसीज कॉलोनीज हैं वो अदा करेगा। ये थी हमारे पास ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। आगे नेक्स्ट हमारे पास है वो है प्लेस। प्लेस कहते हैं जगह को। ऑन जून 28, 1919 ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज साइंड एट द प्लेस ऑफ वर्सलीज आउटसाइड पेरिस फ्रांस। अब जो ये मुआहदा था ये फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद महल वर्सलीज में साइन हुआ। The treaty was one of several the officially ended 5 year of conflict known the Great War, World War. अब ये जो मुआहदा था ये जंग अव्वल का खात्मा था। जो ये मुआहदा था ये जंग अव्वल के खत्म होने की एक वजह थी और इस मुआहदे के बाद जो वर्ल्ड वार वन है वो ऑफिशियली टोटली जो है वो खत्म हो गए। आगे नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है व्हाई जर्मनी हेटेड। अभी जर्मनी था वो इसे नफरत क्यों करता था। The treaty of Versailles caused furious reaction in Germany. Germany had to pay a huge sum of money to the country it had fought in. कम्पेंसेशन फॉर दी डैमेज। जर्मनी के लोगों का इसके खिलाफ सख्त रिएक्शन था क्योंकि जर्मनी को भारी जुर्माना अदा करना था इनके तमाम ममालिक को जिनके जंग के दौरान भारी नुकसान हुआ। इन एडिशन फ्रांस, इंग्लैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वांटेड टू प्रिवेंट जर्मनी फॉर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टार्ट अ न्यू वार। अब मजीद ये कि जो फ्रांस, इंग्लैंड और जो अमेरिका था वो ये चाहता था कि जर्मनी बिल्कुल भी ताकतवर ना बने कि वो दोबारा जंग कर सके। आगे नेक्स्ट है मेन टर्म्स। The term of the treaty required that Germany pay financial reparation. अब जो जर्मनी था वो माली जुर्माना अदा करे, disarm हथियार इस्तेमाल ना हो, lose territory अपनी हदूद छोड़ दे, give up all of its overseas colonies और वो जो अपनी तमाम overseas colonies हैं उनके हवाले कर दे। Again next जो हमारे पास सबसे most important जो point है वो है why it failed। ये हमसे question भी पूछा जाता है कि जो League of Nations है वो failed क्यों हुई थी, वो देखते हैं। इट इज वाइडली एग्रीड दैट ट्रीटी ऑफ वर्सलीज फेल्ड बिकॉज इट वाज फील्ड दैट हार्श पनिशमेंट एंड अनरियलिस्टिक एक्सेप्टेशन ऑफ मैसिव रिपरेशन पेमेंट एंड डिमिलिटराइजेशन इम्पोज्ड ऑन जर्मनी फॉर इट्स रॉन्ग डूइंग। अब जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी वो इसलिए भी नाकाम हुई क्योंकि इसमें बहुत सख्त सजाएं बयान की गई थी जर्मन्स के लिए और जैसा कि हम सब समझते हैं कि प्रैक्टिकली ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है, यानी कि प्रैक्टिकली ये नामुमकिन है कि एक मुल्क एक भारी जुर्माना इतनी सख्त सजा पूरी करे। ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक था कि जर्मन जो है वो सारा का सारा जो मलबा है वो अपने आप पर डाल ले, वही सारे जो जुर्माने पे करे। इसलिए जो ये लीग ऑफ नेशन थी ये फेल्ड हो गई थी। ये थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।